अल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़ामान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 जून, डे है थर्सडे। आपके साथ KAC 100 डेज़ का डेली रिव्यू अपनों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 2 जून फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 41,266 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, 63 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। वॉल्यूम की बात करें, 49.88 बिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्पत लोअर है। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 41,388 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,481 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 41,226 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजिशन रही जनाब, वो रेंज बाउंड रही है, और इन लास्ट के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो निगेटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब, 38 कंपनीज अप रही हैं, 43 डाउन रही हैं, अनचेंज 19 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजिशन रही है जनाब, वो सेलिंग के ऊपर रही है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की। नंबर वन पे सिस्टम है, जिसने 21.8 किए हैं। उसके बाद जनाब नंबर आता है जनाब, सेकंड नंबर पे डाओ है, जिसने इंडेक्स के अंदर 11.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे PPL है, जिसने 8.8 किए हैं। उसके बाद OGDC है, जिसने 7.8 किए हैं। इंटू ने 4.8 किए हैं। अगर टॉप पॉइंट डिक्लेयर की बात करें जनाब, डिक्लेयर के अंदर नंबर वन पे नेस्ले है, जिसने 22 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। UBL ने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एंग्रो ने जनाब 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब MEBL ने 11 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। इसके साथ दिया है HBL, PEOL वगैरह ने। जनाब बात करते हैं आज के टॉप वॉल्यूम डे शेयर्स की। नंबर वन पे GRR है, जिसने 10.10 रुपीज़ 2 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.10%। सेकेंड नंबर पर WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 18 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पोजिशन फ्लैट रही है। उसके बाद नंबर है सीनर्जी का जनाब, जिसने 3 रुपीज़ 13 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.88%। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर GATM का, जिसने 21 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 6.30%। उसके बाद नंबर है PRL का, जिसने 14 रुपीज़ 22 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.50%। जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर वन पे टॉवल है, जिसकी कराची के अंदर मीटिंग है। सेकंड नंबर पे जनाब MQTM है, जिसकी मुल्तान के अंदर मीटिंग है। उसके बाद IDYM है, जिसकी जनाब कराची के अंदर मीटिंग है। उसके बाद जनाब MTL की मीटिंग है। उसके अलावा SUTM की मीटिंग है, और जनाब उसके बाद GUSM की मीटिंग है। उसके बाद जनाब PASM की मीटिंग है जनाब। उसके बाद ASTL की मीटिंग है। उसके बाद GSPM की मीटिंग है जनाब। उसके बाद IDRT की मीटिंग है। GUTM की सेकंड मीटिंग है जनाब। उसके बाद CPB की मीटिंग है। और जनाब ये था कल के लिए 2 जून के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। अच्छा जनाब, बात करते हैं आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो नंबर वन पे हमारे पास जो कंपनी है वो FECM है, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का हुआ है। 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है 3 रुपीज़ 12 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकेंड ट्रांजेक्शन जनाब NRCL के अंदर है, एक्शन सेलिंग का है। तकरीबन जनाब 1 मिलियन शेयर की सेलिंग हुई है 12.45 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन भी जनाब MEBL के अंदर है, एक्शन सेलिंग का है जनाब, और तकरीबन 643 शेयर्स की जो सेलिंग हुई है 89 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब MEBL के अंदर ट्रांजेक्शन है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन आ रही है MEBL के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी, किसी की 343 है, किसी की 2784 वगैरह है। ठीक है ना, तो ये थी। उसके बाद HBL के अंदर ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है, कंटिन्यू एक्शन बाइंग का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगा खान फंड जो है कंटिन्यू HBL के अंदर बाइंग के ऊपर है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन से जनाब HBL के अंदर बाइंग की, कंटिन्यू HBL के अंदर बाइंग नज़र आ रही है। अच्छा ना, बात करते हैं KAC 100 डेज़ के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है।
डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है, थ्री इनसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और जनाब इंडेक्स अपनी जो मेजर सपोर्ट थी 41,300 की, इसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बिलो अपनी क्लोजिंग की जस्ट की है 41,266 के ऊपर। जनाब अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है 41,212 की है, सेकंड जो सपोर्ट है 41,095 की है, अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ 41,820 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 42,076 की है। वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, मतलब डल एक्टिविटी जो है जनाब चार्ट पे नज़र आ रही है, तो मेरे हिसाब से कल की जो स्ट्रेटजी है वो भी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए, और मे भी जनाब इंडेक्स इस बार जो अपनी क्लोजिंग है, कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 41,000 के बिलो की तो भी जनाब आप इंडेक्स को नेक्स्ट वीक के अंदर भी एक बेरिश वीक देखेंगे। ठीक है जनाब, तो ये था के एसी इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा, शब जुम्मा है, तमाम आरमीन को दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।